सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं इस टाइम गाजियाबाद नंदग्राम के अंदर हूँ। ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है और इसके अंदर बाबा साहब की और भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पूज्य भंते रहते हैं विजय आनंद जी और यहाँ देखिए आप, चारों ओर हमारी ही बस्ती है। ज़्यादातर 90% लोग हमारे ही लोग रह रहे हैं। एक भिक्षु का कक्ष भी यहाँ सुंदर नहीं है और ना भंते जी के लिए कोई सुविधा उपलब्ध है। तो मैं अभी आपकी मुलाकात कराऊँगा भंते विजय आनंद जी जो यहाँ रहते हैं, देख रेख करते हैं इसकी। और ये नंदग्राम दीनदयालपुरी है। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। पार्क एवं संत समय यह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क, गली नंबर 5/6, दीनदयालपुरी नंदग्राम गाजियाबाद। ये यहाँ पे हमारी जो आबादी है ठीक ठाक है। बाबा साहब का कार्यक्रम भी होते रहते हैं। ये सामने देख रहे हो कितना बढ़िया ताजमहल है भिक्खु कक्ष का। ये पेड़ पौधे भी लगे हैं और इसकी हालत भी बहुत ख़राब है। तो मैं आप लोगों को मिलाता हूँ भंते विजय आनंद जी। भंते जी इधर आइए। बस 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 भंते जी, बंदामी मंगल हो साहब। भंते जी कैसे हैं आप? मैं सम्मान एक अधिकार चैनल को बहुत बड़ा साधुवाद देता हूँ। और मैं यहाँ तीसरी साल हो गए मुझे यहाँ जी। यहाँ एक जनकल्याण समिति भी थी जी, उसने कोई भी कार्य नहीं किया है जी। मेरा यहाँ तार टूटा हुआ है जी और कुछ घटनाएं होने के कारण ये तार तोड़ा गया है वहाँ से, और बिजली की कोई भी सुविधा नहीं है जिससे कि मेरा समर चल सके, जिससे मैं पानी पी सकूं जी। मैं 2 साल से ऐसी झोंपड़ी में रह रहा हूं जिसे कोई ज्ञात भी नहीं कर सकता। मैं अपने सभी साथियों को निवेदन करूंगा कि इस बोधघर को बनाने में अपना सहयोग दें। और मैं रहूं या ना रहूं ये मेरी कोई वो नहीं है, कोई दूसरा बनते रुकेगा यहाँ। जब बुद्ध विहार है तो मैं सभी गाजियाबाद के सभी सम्मानित उपासकों को यही कहूँगा कि ये कार्रवाई जारी रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बनते जी सबसे पहले ये बताइए, ये बुद्ध विहार है, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है या क्या है? ये नगर निगम का है क्या है ये बताओ पहले। ऐसा था कि मैं जब था यहाँ आया था तो ये बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई थी जी, अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ नहीं थी जी। और यहाँ समर लगा हुआ था, मेरे आने पर मिट्टी का कार्य शुरू हुआ और कुछ झोंपड़ी के संसाधन भी जुटाए गए जी, जिसमें ऊपर से त्रिपाल पड़ा हुआ है और एक लेटरिन बनी हुई है। पानी की विशेषता, अभी ये जो पार्क है यहाँ ना तो भंते जी के लिए पीने का पानी उपलब्ध है और ना ही यहाँ किसी प्रकार की सुविधा है। ये सामने समर सेविल का बिल भी कटा हुआ है, कोई कनेक्शन भी नहीं है। और ये समिति है पंचशील जनहित सेवा समिति। ये सामने भिक्षु कक्ष है, देख लीजिएगा आप, ये कितना बढ़िया टप्पर है हमारे धर्मगुरुओं का, है जी। ये देख रहे हो ना आप, ये तो यहाँ पे अगर बरसात आ जाए तो इनको पानी की भी वो है। अब बरसात का टाइम हो चुका है, ये कैसे रहेंगे? इसके अंदर का दृश्य मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। लेकिन ये बताइए कि यहाँ बनते जी आप जो यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे हैं, यहाँ प्रोग्रेस क्या है? यहाँ वंदना बुद्ध वंदना होती है? बुद्ध वंदना होती थी, अब नहीं करते। क्यों? ये समिति मैंने ढोल पोल पकड़ी जी, चार सभी सी करती थी जी, इसलिए मैंने फटकार लगाई। मैंने कि ये नहीं होने दूंगा। अच्छा। इन लोगों ने धरना मानी जी और मुझे तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जी। मैं अलीगढ़ में कार्यरत रहा हूँ। बनते जी यहाँ किस चीज़ की असुविधा महसूस करें जो लोग सहयोग करें? असुविधा सभी प्रकार की हैं, जो भी मैं अपने भरण पोषण का कार्य। कितनी आबादी है हमारी इस क्षेत्र में? आबादी तो काफ़ी है, लेकिन मैं आबादी को ज्ञात नहीं कर सकता हूँ कि कितनी है। हाँ, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग हैं? काफ़ी लोग। वो लोग आपको भिक्षा देते हैं? कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। भोजन में? भोजन में बाहर से मांग करके। हाँ, और अपने गुजर बसर करते हैं। तो आप जो जो वो होता पात्र होता, उस पात्र को लेके घर घर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं।
है जी? संस्कार जैसे कोई आ जाता है तो उनसे हम वैसा ले आते हैं जी, सूखा उसको बना करके खाते हैं जी जी, हाँ बना करके खाते हैं। अच्छा, तो यहाँ तो बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, बहुत सारे उपासक हैं। अरे नहीं है बुद्धिस्ट भाई, नकली बौद्धों की सब सुन लो, कथनी करनी में अंतर जी, करते बांते बौद्ध धर्म की घर में उनकी मैया मरती है, ये दलितों की बसती है। बाबा साहब की तस्वीर अंदर ही लगेगी, फिर बाहर नहीं लगेगी, वैसे हम जय भीम वाले। अच्छा, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग जोश भरते हैं। जोश तो बहुत है इनमें, हाँ। होश भी खो दे। हमारे एक बहुत बड़े वो हैं पंचशील जनहित सेवा समिति के, वैसे लिख रखा है जनहित और एक गुरु के लिए कोई पानी भी नहीं जी। तो क्या जनहित है, क्या सेवा करते हो तुम? और इसमें अभी अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार जी, बने संतोष कुमार और उनके राजेंद्र बोस जी हैं। राजेंद्र बोस जी तो बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं साहब जी जी। तो यहाँ जो समिति है उन लोगों का ज्यादा फर्ज बनता है, हाँ है जी। और आपका भी कुछ है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपका भी फर्ज है कि संडे के दिन आप लोग इनसे सब से यहाँ कहें कि बच्चे बच्चों को भूलते हुए लोग हैं टिकट काटने के लिए आ जाते हैं, बनते जी चलो हमारे साथ या कुछ पैसे। धर्म गुरुओं का शब्द नहीं होते अच्छे, मिटाना आपका काम है, ज्ञान देना आपका काम है, कोई आए या ना आए। आप जब हर संडे को या दो बार बुद्ध वंदना करेंगे तो तीसरी बार लोग माता बहने सब लोग आएंगे। जब आप शनिवार को ये कहेंगे भाई सभी लोग अपने बच्चों को लेकर, एक मोमबत्ती भी लेकर नहीं आता भैया का उन पे। ये बुद्ध वंदना तो बहुत बड़ी चीज है, 48 साल तक प्रचार करते रहे जी। जब प्रचार करते रहे, जब समझाते रहे सब लोगों को, जब समझ में नहीं आया, बाबा साहब संघर्ष जीवन भर किया। बाबा साहब की बात छोड़ो, आप तो, और हम हैं तो ये हमारा फर्ज क्या है, इस पे बात करो। बाबा साहब आपने देखा है मुझे, एक प्रतीप समत्पात का नियम नहीं आता है। वंदना करने से क्या फायदा है, किताब बांटने से क्या फायदा है, नोट फेंकने से क्या फायदा है, इनके लिए क्या करें जी। हमने अपना सारा जीवन लगा दिया, आप आज से नहीं जानते मुझे, वसुंधरा सेक्टर 15 में सबसे बड़ा कार्य था मैं जी। तो अब चलो खैर कोई बात नहीं, आप आइए अपना कक्ष साथियों, ये भिक्षु कक्ष है। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि यहाँ देखो जगह तो ये थोड़ी है, लेकिन अगर ये सुंदर तरीके से बुद्ध वंदना हो, जैसे यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन अगर मस्जिदों को मिल जाए तो वो बल्ले बल्ले कर देते हैं गुरुद्वारों को। देखिए सर, ये इनका ताजमहल है, भगवान बुद्ध की कुटी है ये, अनाथ पिंडक की कुटी है ये, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर कल बारिश हो गई तो भिक्षु संघ जो है वो अपने कपड़े भी नहीं बचा सकता। और यहाँ मेरा सभी से ये निवेदन है, पड़ोसियों से कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग जो है इसमें भंते जी के जो सहयोग है तो करेंगे, लेकिन यहाँ अपने बच्चों को बुद्ध वंदना जरूर सिखाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। और कोई संदेश देना है बंते जी? बस बहुत संदेश यही है जी, मेरी भाई रिक्वेस्ट है, आप एक काम जरूर करेंगे कि जितने भी हमारे घर हैं, कोई भी घर है किसी का भी है, आप शनिवार को या शुक्रवार को एक बार घोषणा करेंगे भाई 5 बजे है बुद्ध वंदना होगी, एक मोमबत्ती अपने घर से लेकर आए और पुष्प चढ़ाए। यहाँ हर संडे को आप प्रयास करें। कई बार कह चुका हूँ मैं, दो पंखे खराब पड़े, एक आया जब मैं। चलो कोई बात नहीं बनते जी, दे रहा है सवेरा है, आप सभी साथी उनसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो भी लोग हैं नंदग्राम दीन दयापुरी इसमें आइए और बुद्ध वंदना कीजिए, ताकि इस पारक है,